हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, भोपाल में कल एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया पद वृद्धि के साथ साथ काउंसलिंग पूरी की जाए, उसकी अपडेट मैं इस वीडियो में ले आया था, आप इसे जरूर देखें। साथ में दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, हर जगह ये अपडेट आई है, यानी कि आपको दिल से धन्यवाद दूं दोस्तों, तो बहुत कम है ये। आपने इस मुहिम को इतना बड़ा बना दिया। कल भोपाल में जो प्रदर्शन किया गया वो पूर्णतः सफल रहा, और सफल भी क्यों ना रहे दोस्तों, हमारा नन्ना मुन्ना सिपाही जो कि इस आंदोलन में भाग ले रहा है, सबसे छोटी आयु की, लेकिन फिर भी वो समझता है कि शिक्षक होना स्कूल में कितना जरूरी है, क्योंकि अच्छे शिक्षक ही ऐसे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो उस बच्चे को भी ये मालूम है कि पद वृद्धि होना कितना आवश्यक है। पूरी न्यूज हम देख लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नीलम पार्क में प्रदर्शन, प्रमुख रूप से निम्न मांगों को लेकर प्रदर्शन में छोटे बच्चों के साथ कई विकलांग भी पहुंचे प्रदर्शन में दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देख रहे हैं, ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है हमारा नन्ना सिपाही, और हमारे दिव्यांग भाई बहन वो भी अपनी बात रखने को पहुंचे हैं दोस्तों, तो ये आप सभी की जीत है, आपकी एकता और जागरूकता की जीत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपेक्षित विषयों जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, समाज विज्ञान के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हिंदी, संस्कृत, भूगोल, कृषि, संस्कृत, रसायन, समाज आदि के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रथम चरण के EWS वर्ग के 848 सहित अन्य सभी वर्गों के कुल 5,935 पदों में चयन सूची जारी की जाए। OBC वर्ग के 27% आरक्षण का शीघ्र निराकरण कर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। आगामी चयन भर्ती प्रक्रिया से पहले 2018 शिक्षक भर्ती को द्विपद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग कराते हुए पूर्ण की जाए। विभाग परिवर्तन, पदोन्नति, रिक्त पदों में शेष पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पात्र प्रदान किए जाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के संयोजक श्री श्यामलाल रविदास जी, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के माध्यम से प्रदेश रचना ब्याज जी, रक्षा जैन जी, लीरेंद्र मेहराजी, बिरज किशोर कुशवाहा जी, धर्मेंद्र बघेल जी, पूजा वर्मा जी, वंदना जी, सुरेश कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, मनोज प्रजापति जी, आशीष कुमार जी सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि हम निर्धारित आयु सीमा को पार कर रहे हैं। समय पर मांगे पूर्ण न होने पर प्रदेश के लाखों BEd, DEd एवं पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड उम्मीदवार जो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार का विरोध किया जाएगा। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, हमारी जमीनी स्तर की टीम जो कि लगातार संघर्ष कर रही, जो कि लगातार प्रयासरत है दोस्तों, और यहां पर यदि आप देखेंगे तो पद वृद्धि के साथ शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने को लेकर प्रदर्शन। यहाँ पर 26 अप्रैल प्रदेश भर के शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के रिक्त पदों में वृद्धि को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल नीलम पार्क में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, यहाँ पर वर्ग तीन की भी मांग रखी गई है, राजधानी नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो 10 वर्षों के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती का नामांकन पदों पर हमारी मांग को पद वृद्धि शिक्षक भर्ती द्वारा पूर्ण की जाए। ये क्वालिफाइड हैं, ये दिव्यांग भाई हैं जो कि अपनी बात रख रहे हैं दोस्तों, हम निर्धारित आयु को सीमा को पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि 2018 भर्ती पद वृद्धि साथ पूर्ण की जाए, आगामी चयन परीक्षा पर रोक लगाई जाए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक जो एज है वो पार कर रहे हैं दोस्तों, यदि इसमें पद वृद्धि नहीं हो तो डेफिनेटली उनके लिए ये लास्ट चांस ही है दोस्तों। ये नवभारत की न्यूज है जो कि इसमें पूरी आई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुधवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन रिक्त पदों में वृद्धि को लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के रिक्त पदों में वृद्धि को लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के प्रथम द्वितीय चरण के उपेक्षित विषय जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, समाज विज्ञान के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए, ये मांग प्रमुखता से रखी गई दोस्तों। बहुत से लोग पहुंचे थे, बहुत से कैंडिडेट पहुंचे थे, और ये आपकी जागरूकता की सबसे बड़ी निशानी है। यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक भास्कर जो कि सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये न्यूज प्रमुखता से आई है। 27/4/2023 का न्यूज़पेपर है, प्रदेश से आए चयनित शिक्षकों ने दिया धरना, शिक्षक पात्रता परीक्षा चयन शिक्षकों के प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा। बुधवार को प्रदेश भर से आए चयनित शिक्षक नीलम पार्क में धरना या हाथों में मांगों तख्तियां लेते हुए प्रदर्शनों ने खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधन ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। धरना स्थल पर हुए शिक्षक की पात्रता संघ के संयोजक श्री श्यामलाल रविदास जी, EWS संघ के अध्यक्ष श्री धीरज तिवारी, संयोजक रचना ब्याज जी, रक्षा जैन जी सहित अन्य पदाधिकारियों संबोधित किया। इन वक्ताओं ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती एवं प्राथमिक शिक्षक चरणों हजारों पद में खाली हैं, जिन्हें आकरण रोका गया है, जिसमें EWS के 1039, अन्य वर्गों के 5930 भी रिक्त, माध्यमिक शिक्षक के
2237 पद अकारणी खाली रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सचिव के अध्यक्ष को पूर्व शिक्षक भर्ती के शेष पदों के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें बैठक में खाली पदों की जानकारी पेश की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी प्रमुख मांगे हैं, शिक्षकों के उपेक्षित विषय हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, समाज विज्ञान आदि की पद वृद्धि की जाए, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के पदों में नियोजन कर चयन सूची जारी की जाए, तृतीय काउंसलिंग को रोस्टर न्याय संगत पद वितरण के साथ शीघ्र जारी किया जाए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देते हुए सभी खाली पद भरे जाए, प्रवक्ता परिवर्तन का खाली हुए टूटोरियस पदों पर भी चयन सूची जारी की जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि को लेकर भोपाल लीला पार्क में प्रदर्शन, बुधवार को शिक्षक पात्र, यानी कि ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जिसने ये खबर प्रमुखता से ना छापी हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ग एक और वर्ग दो और वर्ग तीन के रिक्त पदों में वृद्धि को लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन, प्रमुख रूप से निम्न मांगों को लेकर प्रदर्शन, माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपेक्षित विषय जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रिक्त पदों में वृद्धि की जाए, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के हिंदी, संस्कृत, भूगोल, कृषि, संस्कृत, रसायन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए, उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती के अंतर्गत प्रथम चरण की EWS वर्ग 848 सहित अन्य सभी वर्गों के 5935 पदों पर चयन सूची जारी की जाए, OBC वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ शीघ्र निराकरण कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए, आगामी चयन भर्ती प्रक्रिया से पहले 2008 शिक्षा भर्ती की पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग कराते हुए पूर्ण की जाए, विभाग परिवर्तन, प्रवक्ता परिवर्तन, पदोन्नति, रिक्त पदों में शेष पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए, वर्ग एक और वर्ग दो के साथ वर्ग तीन के रिक्त पदों में वृद्धि कर अगली काउंसलिंग शीघ्र की जाए, धरना प्रदर्शन के पूर्व पात्र अभ्यर्थी माँ सरस्वती माता की पूजा अर्चना की, एक शिक्षक बनने का इंतजार करते करते दीपावली के दिन अपने जीवन लीला समाप्त करने वाले ग्वालियर निवासी स्वर्गीय को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्यामलाल, रचना व्यास, रक्षा जैन, लीनेन मेहरा, धीरेन्द्र तिवारी, ब्रज किशोर कुशवाहा, धर्मेंद्र बघेल, पूजा वर्मा, वंदना सुरेश कुमार, सौरभ मिश्रा, रविंद्र कुमार, मनोज प्रजापति, आशीष कुमार व अन्य अभ्यर्थी कहना कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं, समय पर मांगे पूर्ण न होने पर प्रदेश के लाखों BEd, DEd एक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार का विरोध करेंगे। दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ी जीत है आप सभी की, दोस्तों आप सभी की एकता की बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतना बड़ा प्रदर्शन किया भोपाल में दोस्तों, क्योंकि जो उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपने सहयोग किया है दोस्तों, निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी पद वृद्धि के साथ आपकी थर्ड काउंसलिंग शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि आप एक हो चुके हैं और एक रूप से एक ही मांग कर रहे हैं कि पद वृद्धि हो, जिससे कि उपेक्षित विषयों के साथ न्याय हो, सभी के साथ न्याय हो, जो कि लाखों बीएड डीएड धारी हैं उनके साथ न्याय हो, और छोटे बच्चे से लेकर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं, वो सभी संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, सभी का एक ही प्रयास है। तो पहले मैं आपको धन्यवाद दे चुका हूँ, फिर भी दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अब एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।